मेरे को बहुत अच्छा लगा ऑपरेट करके, और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर हम रेड कैमरा या अदर सिनेमा कैमरा से कंपेयर करें तो ये कैमरा का मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आज हमने रेड कैमरा में प्रैक्टिकल सीखा है। जो सबसे पहले कैमरा जो दिखाया था, जो ओमकार भाई आए थे, उन्होंने रेड वी रैप्टर कैमरे पे दिखाया जो कि 8K कैमरा है, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि 8K के अंदर 1000 फ्रेम्स तक अपन इसको शूट कर सकते हैं और उसको लो लाइट में और बहुत सारे कंडीशन में भी शूट किया जा सकता है। इसमें RF माउंट के लेंसेज लग जाते हैं जो कि ऑटो फोकस लेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से ऑटो फोकस बहुत आसानी से हो जाता है। जो रेड रैप्टर के लिए मुझे दूसरा कैमरा आया था वो है रेड कोमोडो, वो एक उससे भी साइज़ में छोटा है और उसका वेट बहुत ही लाइट है, उसको कहीं भी इजीली हैंडल शूट किया जा सकता है जस्ट लाइक DSLR, और बहुत इजी टू कैरी और हैंडल करने का है होता है। उसमें भी अपन RF माउंट और EF माउंट लेंस लगा सकते हैं और ऑटो फोकसिंग कर सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा ऑपरेट करके, और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर हम रेड कैमरा या अदर सिनेमा कैमरा से कंपेयर करें तो ये कैमरा का मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मेरी जो बेस्ट फिल्म है, एक तो बाजीराव मस्तानी जिसका डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है, और 3 इडियट जिसके डायरेक्टर राजकुमार हिरानी है। ओवरऑल मुंबई फिल्म अकेडमी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा।